सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा कर सो ब्रह्मा विष्णु महेश। मात सस्ती सुमिर के धरु गुरु को ध्यान। आन विराजो कंठ में सो दे जइयो मम ज्ञान। हाथ मेरे प्रिय सजनों, त्रिमूर्ति केस्ट के माध्यम से हम आपके समक्ष नैनागढ़ की लड़ाई यानी आला का विभाग कहने के लिए जा रहे हैं। बड़ी गौर से सुने तो सुनिए। आरे सुमिरन करके हिंगोलाज को निरंकार को ध्यान लगाई। आरे भूमिया सुमिरो गलखेरे को जो यसन में मेरी करे सहाय। खेतन में उसके बजते मुर्दा जवान खड़ी हुई जाए। बेटी जन्मी घर राजा के मछला नाम दियोर धरवाई। अरे बड़ी खुशी रा जाने मानी लाखों को धन दियोर लुटाई। अब राग मच्छु ने बग के बीच भैया ताल दियोर खुदवाई। अरे ताल कटोरा नाम रख दियो उसमें नीरज को रखाए। अरे जन्म हुआ मछला का जिस दिन ताल में मछली दई डरवाई। You pay.
जिस दिन मछला का जन्म हुआ था तो राजा रागमच्छ ने एक ताल खुदवा दिया था शहर से थोड़ी दूर और उसमें मछली छुड़वा दी थी और उसकी शर्त थी कि जो कोई मछली को मारेगा उसके साथ में हम बेटा का अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। इधर में धीरे 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 मछला बढ़ने लगी है बंधु और उधर वो मछली ताल में बढ़ रही है तो क्या होता है। धरती नित देवी को ध्यान आते जाते इसी तरह से अरे जब हो गए हैं उसको साल प्रगट मठ में देवी है गई और मछला से कही तत्काल जो कुछ इच्छा हो तुम्हारी हमसे मांगो तुम वरदान। तब देवी से मछला बोली मेरे भरोसे कलयुग जाने अरे मुझको बल और विद्या दे दो ऐसी होए किसी पर नाई अरे जादू दे दो बंगाली का उसमें देखो करे सहाय मेरे कहे छामो से हो गई कहने लगी शारदा माय जो कुछ मांगा तूने बेटी सो मैंने दिया तूने हर साय दे दिया कृपा तब जादू का चारी वीर मैंने दे पकुराए जो कुछ हुक्म करो वीरों से थोर मेला में हुक्म बजाई झुकी शर्म से मन ही मन में रही मुस्काए अंतर ध्यान हो गई देवी मछला चली भवन को धाई इस प्रकार से बंधुओं मछला ने देवी माँ से वरदान प्राप्त की। अब देखिए क्या होता है। एक सखी मछला से बोली सुन ले बहना ध्यान लगाए सब सखियों में ब्याह हो गए तेरो ब्याह भयो क्यों नाए तो तू कुआरी किसके कारण ये मेरे दिल में सोच विचार क्या कुल हीना बाप तुम्हारो तो गयो राज में आए भरी जवानी हो गई सियानी क्यों नहीं लेती ब्याह कराए बोली समय तक बोली लागी पंचो सुनियो ध्यान लगाए तोड़ पड़ी है वो देखो मछला और महलन में पहुंची आए अब तो देखो तब बिटिया को रानी उठी भरे ला खाए देखी उदासी तब चेहरा से बिटिया जेतन नहीं उठाए कुछ कार्य क्या पूछन लागी बेटी दियो न कभेद बताए क्या सो चेहरा कारो पड़े रो तुम कुन कदम दियो बताए ये तनिय सुन के मछला बोली आंखों से रो नीरत जाए बोली अमारी है सखियन ने जो तू कुआरी रही बताए क्या तेरे कुल को बाबू नहीं ना टूटा गयो राज मेरी आई समझा मैं चली जा तू राजा ढेगा मेरे
कचहरी पहुंची जाए, लागो मच्छसवा करिए बंदगी, संगई ले गई तुरत हलवाए, राजा चल गए तब महलन में, रानी ने तब कही सुनाए, पलंग बेचा दो झपट के भैया, राजा उस पर लये बिठाए, हाथ जोड़ कर रानी बोली, बन में सुनो तू मेरी बात। तब राजा ने और रानी तू तो समझाए, मत घबरावे अब ही मन में, अब ही पंडित ले बुलाए, टीका लिखवाऊ बिटिया को, अब तो राखिया देरा लगाए, मंत्री भेज दियो रे राजा ने और पंडित को लयो बुलाए, कलम कागज लेके बैठो ऐसे राजा कहे समझाए, जो कुछ शरत बिहा की सोची चिट्ठी में लिखो बनाए। अरे जैसे जैसे राजा कह रहे वैसे पंडित लिखे बनाए, अब से श्री नारायण लिख दई, गंगा जमुना लिखी समा, दान दहेज लिखा बहुत तीरो, धन दौलत की ना सोमवार, हाथी दो से घोड़ा मोहर सर पी 20,000, पूरी शरत करे जो मेरी उसको दे में बिहार चाय, पहली मारे मीन ताल में, दूजे हाथी दे पछाड़े, तीजे रण के तन में ओटे जोगा भोगा की तलवार, चौथे खम्भे अष्टोद हाथी का 80 हाथ गहे कृपान, उसके ऊपर मीन टंगी है परचाई लख देव है मार, शरत पांचमी ये है मेरी खम्मा के दे तू कबुड़ाए, छठमी शरत हमारी देखो गरम तेल में गोता खाए। राजा चिट्ठी लिखवा करके शर्त जो थी सब उस चिट्ठी में लिखवा देते हैं और टीका भिजवा रहे भैया तो क्या होता है। अरे नायबारी रुपनो देखो संग में पंडित तलयो लगाई, अरे चल दे नेगी ने नागर से पहुंचे गड़ा दिल्ली में जाए, अम्बो खास में राजा बैठे भैरा भूत लगो दरबार, नेगी पहुंच गई रे बंगला में जय राजा को करी दुहार, चिट्ठी कार जेव से मोरन ओ राजा को गई पकड़ाए, बोल के चिट्ठी जब देखवासी पर सामान खुशी है जाए, लौट के चिट्ठी जब देखवासी मुंह को थूक बंद है जाए। हाँ तो बंधु देखिए इधर में पृथ्वीराज राजा ने टीका को लौटा दिया है और नेगी निराश होकर के टीका लेके वहां से चंदे थे तो क्या होता है। अरे नेगी चल दे
सब दिल्ली से और गढ़ कनु बाजू में पहुंचे जाए चंद टीका नहीं चढ़ाया पर कर चिट्ठी दई लौटाई बातन पूछी वहां किसने तब पथरिया गढ़ में पहुंची जाय चिट्ठी पढ़ी कर ज्वाल सिंह ने वापिस नेगी तब दे तो कराई नेगी तब देख वहां से अरे शंकर गढ़ में पहुंची जाए अरे टीका वहां पर नहीं तब ओड़ो नेगिया चले बढ़ी जो जाए महीना 16 दिन गए भैया मोहबी पहुंची आई अरे बोला पंडित तब नेगिन से नेगी सुनो हमारी बात गढ़ मोहबी को मत तुम जाबो ओछिया जाति बना पर चक्कर काट चलो मोहबी का जो कोई मिले वो दे चंदुराय बात न माने वो काऊ की जबरन टीका तब लेगो चढ़ाई बनेगी निसी अरे पंडित सुनो
पहुंचे गरम हो बीमी। अरे गति करे चंदेला राय, अब चिट्ठी लेकर टीका बारी और झटका दी पे दई पहुंचाए पर कर चिट्ठी पर वाले ने। अरे फिर नेगिन कूदो फटकार, भागो भागो तुम मेरे बंगला से। अरे यहाँ तेरी जान बचेगी ना, उधर मन के दोनों गरजे। अरे कैसे नाई करो महाराज, अरे बोला राजा बना परोसी। अरे सबकी मत मारी करता, सात शरत है ये सती कामी। जबरन चढ़वा लेते हैं, नेगियों को विदा कर दिया है। आहा, अब देखिए इधर क्या होता है। अब चर्चा छोड़ो नैनागढ़ की, अब मोहबे के सुनो हवाल। अब ताला सैयद से बंगला में कहने लगा वीर अमल खान, कैसे बैठे यमन चैन में चाचा बनारस के सरदार। थोड़े दिन रह गए बिया की, अब चलने की करो तैयार। इतनी बात सुनी मलिके की, ताला हुक्म दियो फरमाई। अरे खोज साज गई है रे मोहबे की, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। अरे सबरो लस कर प्यार करो, जब कुछ पदन का दौर बजवाए। अरे चल कर फौजे चली जो भैया, अरे हाथी या घोड़ा चले अगार। जब दल साजा किसना भैया, अरे गर्म हो बे की करी जुहार। उदल मन के दोनों सज गए, सजगो सियानंद सरदार। देवा ब्रह्मा धांधू सजगो भैया बन, देखिए बंदो इस प्रकार से आज बना फ्रो की बरात सज के जा रही भैया। और क्या होता है,
छिपने को जा रहा है, नैनागढ़ की सीमा पे पहुंच जाते हैं, डेरा तंबू लगा दिए हैं। आहा, जैसे ही सुबह हुआ और क्या होता है, अब जोड़ कचहरी तालो बैठो, सब जवानों से कही सुनाए, अरे पीड़ा डारे दयोरे तंबू में सोने की दही बरख चढ़ाए, जो कोई खबर करे नैनागढ़ वह पीड़ा कूल कल सूरमा नीचे कू गए नारे नवाई। अरे गर जाया तब तंबू में और ताला से कहा सुनाए, अरे मैंने मना करी थी तुमसे, तुमने मेरी मानी न बात, एक न मानी बात किसी ने, जबरन टीका लयो चढ़ाए, सिर पर कढ़ा सनी चढ़ जाए, कौन अमीन देख यहाँ पर मारे, तो खम्मा कूदे गिराए, भूनी हाथी कौन पछाड़े, गरम तेल में नहावे जाई। तंबू में कही सुनाए, जो कोई खबर करे राजा पर वाले अपना ब्याह कराए, ऐसे बोला सुने रे धांधू ने, धांधू उठो भरे राखाए, पीड़ा चबालियो जल्दी से करमेलिन करवारी उठाए, करमा स्वरा ताला सैयद पंचो सुनियो ध्यान लगाए, एर लगाए दई तब घोड़ा में चब कदियो जोर से मार, के अब यरसामी नैनागढ़ में पहुंच जाए, तोड़ी बान द्वार पे घूमे, जब वो धांधू कही सुनाए, खबर भेज दो तुम राजा पर, तुमको देखिए नैन सुनाई। सर पर काल रहो
गहिरे तलवारी हाथ घुमावे चौतर भाकू करने लगो दिया मारा मार अरे चार तप से घोड़ा मारे दल पूरा सम दियो बिछाई अरे आस पास के धांधु मारे बहुत कछतिया दिए गिराई मार देख कर अब ये जोधा अरे जोगा भागा है प्राण बचाए कई इकले धांधु ने द्वारे पे जवान पान सो दिए गिराई वो सब बिगड़ गए सब जवानों के और ऐसी कठिन करी तलवार एड़ लगा कर तब धांधू ने अपना घोड़ा दयो उड़ाए सरल करके उड़ा बछेड़ा अमर पंख दये फैलाए पहुंच गया अपने लश्कर में कहने लगा उदय चंद्राय कैसी गुजरी ने नागर में हमसे हाल कहो समझाए अरे बोला धांधू तब उदल से जोगा कठिन करे तलवारी मैंने ताला के कहने से अपना दियो है बार चुकाई जैसी आवे त्योहारे मन में अरे बैसी करो बना भरुराई अरे यहाँ की बातें यहाँ पर रह गई नैनागढ़ के सुनो हवाला पाचक अरे जवान पान सो मरे भूपति दिल में पैदा हुआ मलाल रागो मच से जोगा बोला दादा धाधु बुरी बलाई तनक छोकरा बना फरों का मेरा तीनों है मानो घटाई मारन की बना परोसे लो करवाई ये मन मानी गहिरे राजा की अरे लिख कर चिट्ठी दई भिजवाई उसी सूरमा के मछला संग भामर दूंगा सातु डराई पहुंचा बना फरों पर सुनकर आला तो घबराए मन के बोला नरयू दल से अब क्यों राखी देर लगाए अरे ऊदल सदगो तब जल्दी से बांधी धांधू ने तलवार देवा दोनों सज गए बनारस क्यों सरदार मल के सज गया जब लस करुणी अरे अपने कमर बांध ले हथियार अरे ताला सैयद सजे सज
संग में। अरे भाई से लड़कन को परवार हाथ पकड़ कर उदल ने संग मंडली ककुलियो बुलाए जान पान सो बिकट सूरमा। अरे जिनके हाथ नगिन तलवार से। अरे ताल कटोरा पहुंची आई। अरे पहली असर तो मीन मारन की पंचो सुनियो ध्यान लगाए बोला उदल तब आला से भैया मंडली के अवतार अब हंसी हो रही है नैनागढ़ में। अरे क्यों नहीं मीन को डारो मार ए लंगर खींचो भुंडीदार तल कटोरा में जाए कूदा। अरे जल में गोता कयो लगाए मछली समझी अपने मन में। अरे खाने की सामान गई है आई एक और की लई है भैया मंडली कनी ये मछली है बुरी बला है मछली अली में गई रे आला तू। अरे सब तो गए सना को खाए ताली पीट के हंस रही जनता पर ना लयो मछली ने उखाए। अरे मछला ये तमे रोवे मढ़िया में और देवी सो कहिए सुनाए मेरो पर देखू खायो मछली ने कौन से लेवनी अब हमारे दार निगाह घूम गई तब उदल की। और मछला ने कहिए सुनाए धिक्कार तिहारी देखी वीरता पे भैया तिहारे लील है जाए अब की लाज बचा लियो देवर। और मछला ने कही सुना है पहन जांगिया देखी उदल ने तुरत भयो आज तैयार कूद परो है बुआ उताल में। अब तुम सुनियो ध्यान लगाए मछली समझी फिर दान हो गए हो। अरे भोजन मेरो तो है आई अरे छप्पन छुरी बांध के उदल कमर लपेटा लियो लगाई। अब मछली लील गई रे उदल को अरे पेट में आला रहोल भियाई। अरे देखिए सूरत जब भैया की बदन रहो कुमलाई। अरे खेच कमर से छुरी उदल ने मछली के पेट दैया घुमाए पेट भर दो तब मछली को मंडली का कोलियो निकाल मीन पार दैया पानी में। अरे पहली असर दैया ने बताए अरे प्रजा भागी देख पीछे तू। अरे यो थी जाति बना फर रहा बना छोड़ेंगे देनागर। अरे ढूंढ ढूंढ के दिंगे बार अरे जोगा बोलो तब उदल से भैया सुनो वो देखन राय। अब जो कोई मछली तालक के वायर समझ बैठ गई तब उदल के। अरे फिर वो कूदो भरे रखाए चेट भर लिया तब मछली की ताल के ऊपर फेंकिया जाए।
अठारे अठारे महुआ के दिले डारे। अरे देख दशा तब जोगा भागो और महलन में पहुंचो आए। अब जैसी गुजरी कटोरा ताल पे तो सब राजा तैया बताए पीछे बना फर दोनों भागी। फाटक बंद तयो करवाए आज इस प्रकार से बंदो बनाफर जो पांच से जवान सज के गए थे मील को मार करके नैनागढ़ के फाटक पर पहुंच जाते हैं बंधुओं। और क्या होता है अरे फाटक बंद किले का देखा अरे कोई मर्द दिखत तो नहीं। अब खूनी हाथी पहरे पर है अपनी साख कर रहो घुमाई। अरे तेरी आज देख रही छे से अब आए गए बना पर लाल। अरे बड़े बड़े योद्धा ने नागढ़ की अरे छिप छिप ऐसे रहे बतराए। फाटक तोरे बना पर डारे फरक खैर जानियो नाई। आज मेरे प्रिय सजनों देखिए इधर में पहली शर्त तो पूरी है ही गई। अब आगे बना पर शर्त पूरी करे और क्या होता है बोलो मल के तब उदल से भैया धवल उदय चंदलाल। ए दुश्मन दुव किरे हो अब ही से फिर आगे का करे हवाल। अरे पहली शर्त है गई अब पूरी मोहवे की लैला जब बचाई। दूसरी पूरी कर दे बाकी धवल उदय चंद्राई। अरे ऐसे टूट पड़ो रे हाथी पर जैसे बाजी को खाई। अरे सूढ़ पकड़ लई अरे उदल ने चक्कर डंडत बदिए लगाए। एक तरफ को फेंक चलायो अब छत्तीस गज पर पहुंचो जाए। अरे भग के बन बैठो छाती पर अरे हाथी के दे प्राण निकारे। अब शरत दूसरी पूरी है गई पंच सुनियो ध्यान लगाई। अब तीसरी शरत जोगा भोगा की कैसी कठिन करे तलवारी। अरे दिन छिपे कुई अब आए गाँव है अरे अब तो युद्ध तो करो महाराज। खबर सुनी तो अरे अपने मन में गौ घबराई। अरे पीरी फाटी जब दिन निकला सब उठ बोले सीताराम। तेरे रहो द्वारे पे बाको डारो खोज मिटाए। चेतन में पहुंचे आई।
सीता तरफ की सेना सज कर रण केतन में पहुंची आए। हुक्म दिया है तब सेना को, अरे मारा मारो मचाई आए। अरे सूर सिपाही दोनों तरफ से कर रहे मारा खेतन में सुन लो धवल उदय चंद्राय। हम तुम दोनों लड़े खेत में द्वैम से कुजवान रही जाय। उदल बोला चोट चलाए ले दिर के यार मालियो मिटाय। अरे नहीं तो इसमें तेगा के बल तेरा दूंगा खोज मिटाय। जब ये बात सुनी रे भोगा ने गुस्सा गई बदन में उछाई। अरे धोखे मत रहना मारो के तेने लाई बाप की दाई। मारा तेगा नर उदल में उदल गई एड़ लगाए। ढाल फाट गई गेड़ा बारी पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे सांग छोड़ दई तब दिख भैया अरे उदल घोड़ा दो उड़ाए। अब धीरे धीरे उतरती आवे भारी अब होगा की ललकार। ए अपने अपने लड़े ओ सरो जैसे कुआ भर पनियार। बहुत बचाव की अरे भोगानी पर नहीं उसका सका बचाव। अरे भोगा का धड़ा गिरा भूमि पर सिर्फ भुट्टा सो जाने दो वे मुड़ाई। जितनी सेना ने नागढ़ की अरे जोगा गयो सना को खाई। आंख बचा कर मलिके की तब रणखेतन से भागो जाए। अब सीधा पहुंचा अम्ब खास में सब राजा से कहिया सुनाई। हमारा ढोलकू अब तुम दे दो होलमी। मुदा खड़े भये तैयार ये गति देखी अपना फरोने। अब या जान बचेगी नाय भगे बना फर अब पीछे को मारा मारू न दैया मचाई। इसमें विशेष भगे सूरमा अरे रण से अपने प्राण बचाए। जोगा बोगा ने देखो भैया अरे जीत को डंका दयो बजाए। बड़ी खुशी राजा ने मानी धन दौलत पूर हो लुटाई। घर में दोबारा से सेना जीवित हो जाती है अमर ढोल के बजाने से। तो मोहबे वाले घबरा जाते हैं लौट करके यहाँ पीठ छुपा के और भागे वहां से। इधर दिन छुप जाता है लड़ाई बंद हो जाती है तो सब बना पर अपने मन में आहा विचार कर रहे हैं कि इनसे कैसे फतेह होगी। सलाम मिला के बना पर गुरु अमरा को
की जिंदा एक बचे गो नाए। अब मल के चल दो घोड़ी पे चढ़ के पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे कछु दिए रखे अब यारा सामे अमर गुरु कुलायो निभाई। अरे नैना गड़ में पहुंच जाए। अरे सुरंग के रास्ता उदल देखो। अरे ढिंग मथिला की पहुंच जाए। अब देख के सूरत नर उदल की मथिला उठी भरे रखाई। अरे कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई आधी रातिया पहुंची आए। अमरा ढोलक भाभी सुन ले ध्यान लगाए। इतनिया सुन के मछला बोली अरे देवर सुना उदे चमराए। अरे काल पूज में देवी आओ। अरे मठ पे वो तुम मिली यो जाए। अमरा ढोल में लेके आऊ माँ से जइयो संग लेवाए। अरे मठ देवी के मछला पहुंची। अरे मठ देवी के मछला पहुंची। अरे उदल आयो वहां पर जाई। अमर ढोल को वहां से ले गो। अरे और तमवन में पहुंच जाए। अरे बहुत खुशी है मोहबे बारे मुँह पे कैसे कही नहीं जाए। अरे सुबह हुआ तब मेरे भैया दोनों लंग सदी तलवार। अरे दूसरे यो तो भयो मेरे भैया। अरे दीन ये मारा मारू मचाई। अरे खटका में तो नैना गड़ को। अरे उदल कहना लगो समझ आई। अरे जोगा भोगा की देखो भैया। अरे लीनी उनने मुसक चढ़ाए। मुसक बांध कर दोनों भैयन की अपने तमुआ दे पठाई। मेरे बंधुओं इधर में जोगा भोगा की मुसक चढ़ा करके अपने तमुओं में भेज दिया है। हाय हाय दोनों में बड़ी खुशी हो रही है। इधर मोहबे वाले बड़े खुशी है। राजा को जब मालूम पड़ता है हाय हाय अब तो व्याकुल हो जाते हैं। तो यहां आकर के माहिल ने समझा दिया तबल महाराज अब तो जो बाकी शर्त रह गई ये तुमने पूरी करवा लो। हाय हाय जो होगा सो देखो जागो। अरे चिट्ठिया लिख दई जब राजा ने और मोहबियन पे पहुंची जाए। अरे बाँच के चिट्ठी देखो भैया। अरे अपनी हलीनी से न सजाए। अरे पूछ बोली दो रनवासन ते। अरे नैना गढ़ में पहुंची जाए। अरे अस्सी हाथ के खम्भ के ऊपर मछली रही जखोरा खाई। अरे बोला काला तब धांधू से अब क्यों राखिया देर लगाए। अब लाल तेल में लख परछाई ऊपर को दयो तीर चलाई। अरे लगा निशाना ठीक आँख में मछली नीचे दही गिराई। इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों धांधू मीन को मार देता है। नीचे जो गरम तेल था
जब नहाने की बात आई तो सब योद्धा नीचे को गर्दन ढाल जाते हैं। यहाँ मेरे प्रिय सज्जनों, जब ये गुरु अमरा ने कहा कि आप किसी बात की चिंता मत करो, हे आला आप कूद जाइए, लेकिन हाय हाय आलू आज नीचे को गर्दन झुका जाती। धांधू के समझ बैठ गई तो धांधू उस गर्म तेल में नहा लिया है मेरे नौजवानों। हाय हाय इस प्रकार से जो हुआ तो क्या होता है। मरा कर सहाय अरे बांधी लंगोटा धांधुआ कूदा गोता लगा कुंड में जाय आज मेरे प्रिय सज्जनों इधर में सब मिलकर के, क्योंकि धांधु ने ये शर्त लास्ट की पूरी करी तो धांधू को बरना बना दिया है। आहा, और होता क्या है इधर में, जैसे ही धांधू बरना बनो तो भैया मंडप के नीचे जब पहुंचो तो मलखी और उधर दोनों आहा आग भमूर हेरे पर कह ना सक रहे। इतने जो मछला ने देखा है भैया तो क्या होता है, क्या कहने लगी है। अरे धोखा कर रहे मेरे संग में, अरे किसका रे तुम ब्याह कराई, अरे ब्याह होए तो मंडली कसे नहीं मैं मरू कटारी मारे। अरे ये वरदान दिया देवी ने, अरे ब्याही मंडली कसो जाई। अरे जब ये बात सुन रे उदल ने उदल गयो शोक में उछाई। अरे मोहरा तोड़ी डालो धांधू को धक्का दयो कले जा जाए। पलटी पर गई जब आला पर बैठी गयो दो 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 सवार। अरे गाठे जोड़ी जब देख बरनी अब नारी रही है मंगल गाई। अरे नेगा जोग जो भय देख ब्याके अरे सबको खुशियां रही है छाई। बनायो पंचो सुनियो ध्यान लगाई। अब दान दहेज दिया राजा ने, अरे लिया सोता का कन्या दान। आज इस प्रकार से बंधु धांधू को डाल लिया है आए है उदल ने। जब तक भामर पड़ी है तब तक उदल हाय हाय इधर में मलखे को सारा कर देता है तो धांधू को दावे खड़ो है। हाय हाय इतने भैया भामर पड़ रही है मछला की और वाला की, और होता क्या है। अरे पूरी पड़ गए सातों भामरे धांधू को तब छोड़ मन खाना। अरे नैना घर में धांधू गरजा एकदम उठा भरे रखाए। मेरा मान घटाया तुमने अब मैं मलखे देखूं जाए। बिना बदले के मैं नहीं मानू मेरा मान भगेला राय। ये लगा छाट कर अपनी सेना कर दिल्ली में पहुंच जाए। अब राघु मच्छरा जाने देखो दीनी बिटिया विदा कराए। तारी जो रास्ता में विदा कराए कई रोज की मंजिल करके गर्मोबे में पहुंचे आए। मछला पहुंच गई महलन में कामिन रही है मंगल गाय। तेरा मुहूर्त के सिटके भैया मैंने आरा दैया सुनाए। मछला और आला को ब्याह देखो तेरा मुहूर्त में दया सुनाए। जैसी आई तुम्हें सुनाई मृतक सीरा माफ है जाई।